नमस्कार, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट बायोकेमिस्ट्री बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर। कुछ क्वेश्चंस विटामिन्स के हैं, कुछ प्रोटीन्स के हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट के हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, लगभग 20 क्वेश्चंस यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर एंड तक आप लोग बने रहना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। नए फ्रेंड जितने भी हों यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पादपों का संचित भोजन क्या है? तो जो प्लांट्स होते हैं इसका जो संचित भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। इसी प्रकार से जो जंतुओं का संचित भोजन उसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन बोलेंगे। ये दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं कि पादपों का संचित भोजन क्या है, तो स्टार्च है। जंतुओं का संचित भोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या है कि प्रोटीन बने होते हैं। बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अमीनो अम्लों का बहुलक प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको क्या बताना है? CHO NN, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर क्या बना होता है? प्रोटीन। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ये केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और ये 1:2:1 में यहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज एक कैसी शर्करा? डाइसैकेराइड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना कि फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा? डाइसैकेराइड है, ये सबसे मीठी शर्करा है। और फ्रक्टोज जो है फल और शहद, दोनों में पाई जाती है। ठीक है गाइस, चलिए अब प्रश्न है हमारा कि डाइसैकेराइड शर्करा कौन कौन सी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डाइसैकेराइड जो शर्करा है वो कौन कौन सी होती हैं। तो लैक्टोज होती है, सुक्रोज होती है, माल्टोज होती है। ये तीनों शर्कराएं किस कैटेगरी में आती हैं? ये आती हैं डाइसैकेराइड में। इसी प्रकार से आता है कि मोनोसैकेराइड कौन कौन शर्करा होती हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इस क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चंस की गारंटी है आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न कि डाइसैकेराइड शर्करा कौन सी है और मोनोसैकेराइड शर्करा कौन सी है। लिख लो, छपेगा, ये प्रश्न की गारंटी है, अन्यथा आज बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये मान लीजिए आप आज बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा अगर इन दो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आ ना जाए। इसके बाद हम बात करेंगे कि दुग्ध शर्करा कौन कौन सी है। तो दुग्ध शर्करा केवल एक होती है जिसका नाम क्या है? लैक्टोज। दूध से संबंधित अगर लैक्ट शब्द आ जाए किसे में, कि दूध से संबंधित एंजाइम कौन सा होता है, तो लैक्टेज होगा। मतलब लैक्ट शब्द जो है ये किससे संबंधित है? दूध से। इसी प्रकार दूध शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज है। दूध में एंजाइम कौन है? लैक्टेज है। दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। प्रश्न अगर आता है बाय द वे ऐसा भी पूछा जाता है कि लैक्टोज किन दो शर्कराओं से मिलकर बनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर क्या बनी होती? लैक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती लैक्टोज। इसके बाद टेबल शुगर के नाम से किसको जानते हैं? तो सुक्रोज को जानते हैं। जो टेबल शुगर की बात करें या किचन शुगर यानी रसोई घर की शर्करा, या फिर कैन शुगर की बात करें, या फिर इच्छु शर्करा की बात करें, इन सबका आंसर क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, स्टार्च के पाचन पर बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या है? तो यहाँ पे ग्लूकोज होता है स्टार्च के पाचन में जो बचने वाला अंतिम उत्पाद है उसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, यानी ये रक्त वाली शर्करा है। ब्लड शुगर के नाम से कैसे जानते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पॉलीसैकेराइड शर्करा कौन कौन सी होती हैं? तो सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन, ये सारी की सारी कैसी शर्कराएं पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपको याद कर लेना है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वो कौन से विटामिन्स हैं जो फैट में सोल्यूबल हैं
तो ये चार विटामिन होते हैं ए डी ई और के, ये फैट सोलोबल विटामिन होते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ दे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं जो जल में घुलनशील हैं, तो आपको क्या बताना, बी एंड सी। बी एंड सी विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी होती है। ठीक है, ये 13 नंबर देखेंगे हम लोग, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो जो स्कर्वी डिजीज है ये विटामिन सी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, लैक्टोज किसका बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर क्या बना होता है, लैक्टोज। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, मतलब ऊर्जा के सोर्स के रूप में किसे जानते हैं, ऊर्जा के सोर्स के रूप में किसको जानते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनको जो है ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में जानते हैं। चाहे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन, इनको ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार जो उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं कौन, विटामिन्स एंड मिनरल। जो विटामिन्स हैं, मिनरल हैं, ये केवल और केवल उपापचय, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है शरीर में, उसमें भाग लेते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इथाइलीन। इथाइलीन जो है फल पकाने वाला फ्रूट राइपेनिंग हार्मोन्स होता है। ठीक है, इसी प्रकार जौ में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, तो माल्टोज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसे आप याद कर लो, माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है, माल्टोज। और माल्टोज किस में पाई जाती है, जौ में पाई जाती है, साथ ही साथ जो माल्टोज शर्करा ये अंकुरित बीज में पाई जाती है, जैसे अंकुरित गेहूँ, अंकुरित बीज में कौन सी शर्करा होती है, तो माल्टोज, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन है गाइस, तो केसिन होती है। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, केसिन। सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास, क्वेश्चन हमने लगभग 35 प्लस क्वेश्चन से यहाँ पे मैंने चर्चा कर दिए हैं, जो मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करें उन्हें भी आप पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ के जाइए। प्रीवियस वीडियो हमारे चैनल पर 10 वीडियो अपलोड हैं, अगर वो वीडियो आपने देख लिए जल्दी से तो अभी भी आपका काम हो सकता है। इसलिए वीडियो देखने के लिए लिंक में प्लेलिस्ट, आपको बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करके सारी वीडियो वॉच कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।